Welcome everybody. मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस स्पेशल सीरीज जिसका नाम है डिफीटिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। डॉक्टर जी वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में 16 सालों से भी ज्यादा समय तक रिसर्च की है और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर जी को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए डॉक्टर जी वेलनेस की प्रोफेशनली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड टीम हमेशा तत्पर रहती है। इन्होंने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं जो आज की लाइफस्टाइल में डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। वेल दोस्तों, आप जानते हैं कि ये शो एक डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसका मतलब ये है कि आपको मौका मिलता है घर बैठे डॉक्टर जी से बात करने का। अगर आपको डायबिटीज है और आप भी उसे डिफीट करना चाहते हैं, मात देना चाहते हैं, तो देर किस बात की। जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं उन्हें डायल कीजिए एंड आई विल गेट यू टॉकिंग टू डॉक्टर जी। चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड और जानते हैं कि आज की लाइफस्टाइल क्लास में डॉक्टर जी हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की डॉक्टर जी लाइफस्टाइल क्लास के अंदर हम एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करना चाहते हैं, जो कि है डाइजेशन। जो भी खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है उससे हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन वो आजकल मोटापे की तरफ तब्दील होता जा रहा है। उसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत से टॉक्सिन्स आ रहे हैं। जब ये खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो पोल्यूटेड खाना होता है, ये मेटाबोलाइज किया जाता है, यानी कि टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है। और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंटेस्टाइन्स, यानी कि हमारे आंतों का और साथ साथ लिवर का। जब इस खाने को हम सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते तो ये खाना हमारे शरीर को बहुत भारी पड़ता है। वहीं से शुरू होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम, और इंसुलिन रेजिस्टेंस आप जानते हैं देती है हमें डायबिटीज। तो दोस्तों देखिए, किस तरीके से हम अपने शरीर के अंदर जब खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और जब हमारे लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो वहाँ के जो हेपेटोसाइट्स हैं, जो हमारे लिवर के जो सेल्स हैं जो खाने को असिमिलेट करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं उस एनर्जी को, वहाँ पर धीरे धीरे वो हेपेटोसाइट्स धीरे धीरे मरना शुरू होते हैं और उसकी जगह लेना शुरू होती है फैट, यानी कि फैटी लिवर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं हर दूसरे पेशेंट के अंदर, डायबिटिक के अंदर, कि लिवर के अंदर फैट चलना शुरू हो जाता है, फैटी लिवर स्टेज 1, 2, 3, और धीरे धीरे हम सिरोसिस की तरफ बढ़ते हैं। वही सिरोसिस जो एक अल्कोहलिक को होता है, वही सिरोसिस उस इंसान को होता है जो लगातार रोज एक बॉटल पीता है कई सालों तक। तो आजकल एक नई कंडीशन निकल के आ रही है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, और वो है रिस्पॉन्सिबल आज की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में, हमारे पेट पे चर्बी चढ़ने के लिए और ओवरऑल हेल्थ नीचे जाने के लिए। डॉक्टर जी, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और समय की कमी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं चाहूँगी एक ईमेल क्वेश्चन ले लिया जाए। ये हैं प्रियंका कोलकाता से। ये कहते हैं कि इनके फादर इन लॉ पिछले 40 सालों से डायबिटिक हैं, ही 62 ईयर्स नाउ। फास्टिंग शुगर लेवल्स इनके थे 350, फिर 290, फिर 250, फिर 170 और अब 100 हैं। इनका कहना है कि उनको पाइल्स की शिकायत है, बीपी भी है और डब्ल्यूबीसी बहुत हाई था इनके ब्लड में। ये चाहती हैं कि इस कंडीशन में क्या किया जाए। वेल प्रियंका जी, आपके जो फादर इन लॉ हैं वो हैं डायबिटीज़ के वेटरन। 40 साल तक काफ़ी कम लोग जी पाते हैं डायबिटीज़ के साथ, इन्होंने अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपने ब्लड शुगर्स के बारे में बताया तो वो प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव होते जा रहे हैं। अगर उनके लेवल्स 100 के आसपास रहते हैं तो सुरक्षा चक्र में है, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन उनके अंदर जो पाइल्स की प्रॉब्लम आ रही है वो वहीं डाइजेशन से रिलेटेड है, जो आज हम प्रोग्राम के अंदर आपको बता रहे हैं। और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने खाने के अंदर फाइबर की क्वांटिटी बढ़ाना। उसके लिए अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स खा सकें, वेजिटेबल जूस पी सकें बिना उसमें से फाइबर निकाले, यानी कि आप ब्लेंडर के अंदर उन सब्जियों को ब्लेंड करें और उसका जूस अगर उनको दें,
एक काफ़ी हेल्पफुल चीज़ हो सकती है। ब्लड प्रेशर भी रिलेटेड है मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर वो जिनको डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो इसके लिए लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, डाइट चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक रहे। और अगर साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स डालें या कुछ ऐसी हर्ब्स डाल सकें जो कि ओवरऑल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट देती है, इंसुलिन को सेंसिटाइज कर सके, तो बहुत अच्छा रहता है। और यह सिंपल तरीका है कि आप डायबिट प्लस और डायबिटॉल को लीजिए, लेवल्स को 120 के नीचे रखिए, एक्सरसाइज चार्ट मिलेगा आपको, डाइट चार्ट मिलेगा, काउंसलिंग होगी, एक डायबिटीज़ एजुकेटर आपको लगातार बताते रहेंगे क्या करना है, किस तरीके से अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, और प्रोग्रेसिवली आप धीरे धीरे अपनी डायबिटीज़ को कम करते जाएं, लेवल्स को कम करते जाएं, गोलियों को कम करते जाएं, और आप हरा सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को। वेल डॉक्टर जी, एक व्यूअर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं, लेट्स टेक अ कॉल हियर। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, डिफीटिंग डायबिटीज़ में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं। साक्षी शर्मा बोल रही हूँ, दिल्ली से। मीनाक्षी जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, आप कुछ जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? हाँ जी डॉक्टर, मुझे 4-5 साल से शुगर थी जी, तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी पहले, तो फिर उससे लेकिन मेरी शुगर नीचे नहीं जा रही थी। किस लेवल पर थे आपके ब्लड शुगर लेवल्स? मेरे फास्टिंग तो 140 रहते थे, लेकिन जो पीपी है वो 250 तक चला जाता था। अच्छा जी जी। लेकिन फिर मैंने आपका प्रोग्राम देखा, तो मैंने कहा मेडिसिन मैं मंगवाती हूँ, शायद मुझे इससे फायदा होगा, तो मैंने आपकी दवाई लेनी शुरू की। 1 साल हो गया मुझे आपकी दवाई लेते हुए। अच्छा जी। तो उससे मेरे लेवल थोड़ा ठीक होने लगे जी, तो और अभी तो मेरा एलोपैथिक भी बंद हो गई है। वेरी गुड। हाँ जी, और अभी मैंने पाउडर भी कम कर दिया डायबिटॉल 1/4। कितने समय में आपके लेवल्स कम होने शुरू हुए? नहीं, लेवल तो मेरे 1 मंथ में थोड़ा नीचे जाने लग गए थे। वेरी गुड। और 120-125 ऐसे मेरी पीपी रहती है। वेरी गुड। और 3 महीने का HbA1c का टेस्ट कितना है आपका? हाँ जी, वो मेरा फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो 6.4 था। अच्छा जी। हाँ जी, फिर 6.1 आया, फिर अभी 5.7 है मेरा। वेरी गुड। चीजों पे इफेक्ट करती है, आईज पर भी इफेक्ट करती है जी। और आपकी आई साइट ठीक है अभी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी तो आई साइट ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मेरी इतनी नजर कमजोर हो गई ना उससे। अच्छा जी, वो आपके रिस्टोर, वो आपकी वापस आ गई है। ये हमारा कमाल है, एस्ट्राजेंथिन, जियाजेंथिन और ल्यूटेन जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शायद लोग समझ नहीं पा रहे, बहुत से प्रोग्राम्स देखते हैं वहाँ पर, कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कंसंट्रेशन में कहीं पर नहीं है। तो मीनाक्षी जी बहुत अच्छा लगा आपकी आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मीनाक्षी जी, इसी तरीके से अब इसको कंट्रोल में रखिए, जो आपने हरा दिया डायबिटीज़ को, कभी बढ़ने ना दें, धीरे धीरे डायबिटॉल को भी बंद कर दें और डायबिट प्लस की मेंटेनेंस डोज पर चलें। तो मीनाक्षी जी बहुत बहुत बधाइयां आपको, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं डिफीटिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। डायबिट प्लस और डायबिटॉल को कंटिन्यूस बराबर समय समय पर लेते रहता हूँ, और उसकी वजह से मेरे शुगर लेवल काफ़ी कम हो गए और पिछले 1 महीने से 120 के ऊपर कभी भी नहीं गए। पीपी और फास्टिंग मिला के 80 से 120 के बीच में ही रहते हैं। अगर आप भी डायबिटीज को डिफीट करना चाहते हैं और चाहते हैं एक हैप्पी हेल्दी लाइफ, तो हमारे डायबिटीज हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। डॉक्टर जी और डॉक्टर जी वेलनेस की पूरी टीम आपकी मदद के लिए 24/7 तैयार है, तो अभी कॉल करें। वेल डॉक्टर जी, एक ऐसी पेशेंट जो 4-5 सालों से भुगत रही थी डायबिटीज़ की चपेट में थी, और एक सही राह मिल जाती है, और सडनली ऐसा लगता है कि यू नो एज ए से कि जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो यू गिव अ स्माइल, क्योंकि जो बीत गया, जब वो बीत रहा था तब मुश्किल था, पर जब आप पहुंच जाते हैं एक ऐसे मुकाम पे जहां आप हर चीज़ को बीट कर चुके हैं, सो यू जस्ट गिव अ स्माइल बैक एंड से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली। वेल, मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके अलावा, मीनाक्षी जी के अलावा भी ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनमें से एक को आज हमने चुना है जो आपसे कुछ कहेंगे, कुछ शेयर करेंगे, लेट्स टेक अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम अरुण शर्मा, 2012
के बीच में मुझे कुछ बॉडी वीकनेसेस फील हुए, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को अपने फैमिली डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। जब शुगर चेक करी गई तो उनकी जो मशीन थी उसके टोटल रीडिंग्स जो थे वो 450 तक डिटेक्ट करती थी। वो क्रॉस करने के बाद उसमें एक वर्ड आया एच, द मीनिंग ऑफ एच वाज हाई। मैंने मेडिसिन शुरू किए, मैंने टोटल 38 टैबलेट खाए। जब मेरी डोजेज जो थी वो 3-4 टाइम मैंने एक्सीड करी और मेरे शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि लेट्स फाइट विद दिस प्रॉब्लम। देन आई हैव बीन स्टार्टेड द सप्लीमेंट आफ्टर डॉक्टर जी। ऐसी सप्लीमेंट को जो है मैंने इस्तेमाल किया जिसके रिजल्ट्स मुझे विद इन डे आर टू, विद इन अ वीक एट द मोस्ट वो एक कंट्रोल के बीच में आने लगे। इस वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूँ अपनी 10 से 20 साल पुरानी ज़िंदगी जो मेरी हेल्दी लाइफ थी इक्वली वो मैं स्पेंड कर रहा हूँ। आज दिन मैं अपने प्रोफेशन और अपने परिवार को 100% पे कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर जी एंड देयर सपोर्टिव टीम एंड डॉक्टर जी सप्लीमेंट्स। मैं डॉक्टर जी और डॉक्टर जी की सपोर्टिव ऑल टीम का अपने फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं उनको थैंक्स करता हूँ। और प्लीज़ डू वर्क हार्ड ऑन दिस स्पेसिफिक टास्क विच यू हैव टेकन इन योर हैंड एंड रिमूव दिस प्रॉब्लम थ्रू आउट द इंडिया। और इसके अलावा भी अगर आप कहीं वर्कआउट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और मेरी गुड विशेज उनके साथ हैं। टच वुड, ऐसे लोग दुनिया के बीच में सदियों के बीच में एक बार पैदा होते हैं। वेल डॉक्टर जी, ये बड़ा ही कॉमन सा एक केस है, क्योंकि एक पेशेंट जिन्हें शुगर डिटेक्ट होती है एक जीपी के पास जाते हैं, उन्हें दवाई पे रखा जाता है, देन स्ट्रेट अवे ही रीचेज अगेन टू अ हायर लेवल ऑफ शुगर व्हेन ही रियलाइजेस कि कुछ गड़बड़ है। तब जाके डॉक्टर जी मिलते हैं और उन्हें एहसास होता है कि एक ऐसा डिजीज़ है जो सालों साल बढ़ने वाला है, बट खान पान, एक्सरसाइज और सही ट्रीटमेंट की वजह से नॉर्मलाइज हो सकती हैं चीज़ें। वेल अरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही अच्छे शब्द कहे। और जब रिकग्निशन मिलता है हार्डवर्क का, मेहनत का, और आपको फ़ायदा देते हुए मिलता है, दिस वेरी स्पेशल फॉर मी। डॉक्टर जी आइए, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, डिफीटिंग डायबिटीज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। जी आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं? मैम मैं यूपी से बात कर रही हूँ, राखी सिंह, शाहजहाँपुर जिले से। तो राखी जी, कुछ जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं आप? जी सर, मुझे डायबिटीज है 15 सालों से, मैं इंसुलिन लेती हूँ। अच्छा जी, और आपकी उम्र कितनी है? मेरी समय है 32 साल। तो शुरू से ही आप इंसुलिन लगा रही हैं? जी जी, शुरू से ही इंसुलिन इंजेक्शन, दवाइयाँ मैंने नहीं ली है। आपको कभी गोलियां नहीं दी गई, यानी कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है? जी। तो क्या जानना चाहती हैं आप, बताइए। तो ये मैं जानना चाहती हूँ, मैं इंजेक्शन लेती हूँ, क्या मेरी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? राखी जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है और ये जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में देते हैं, जहाँ पर अपने बॉडी के रिजर्व्स अभी ज़िंदा होते हैं, और जब आपके शरीर के अंदर जो रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम मदद नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, हम इतना कर पाते हैं कि आपकी इंसुलिन की डोजेज आधी की जा सके, आप हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर में ना जाएं, और हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि बढ़े हुए लेवल्स में ना जाएं। इससे ज़्यादा हम मदद नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। हम डाइट के बारे में बता सकते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आपको हम इंसुलिन से हटा नहीं सकते। आपके केस में रिवर्स नहीं किया जा सकता, आपके केस में डिफीट नहीं किया जा सकता डायबिटीज को। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस राखी जी, ऑल द बेस्ट। डायबिट प्लस और डायबिट ऑल, ये दो सप्लीमेंट्स हैं जिसको लेने से मेरा शुगर लेवल काफ़ी डाउन आ गया है, और अब मैं 80 से और 100 तक का मेरा फास्टिंग लेवल रहता है, और पोस्ट प्रेंडल मेरा 100 से और 130-135 तक जाता है।
सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर जी द्वारा तैयार डायबिटीज को डिफीट करने वाले फूड सप्लीमेंट्स डायबिट प्लस और डायबिट ऑल को मंगवाने और डायबिटीज को डिफीट करने के बारे में जानने के लिए हमारे डायबिटीज हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। हमारा डायबिटीज हेल्पलाइन नंबर है 011-6611-4111। दोस्तों कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब बात आती है डायबिटीज जैसी बीमारी की तो जितनी देर आप लगाएंगे कॉम्प्लिकेशंस उतनी बढ़ती जाएंगी और मात देना इस बीमारी को उतना ही कठिन या फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। वक्त सही हो तो सही इलाज मिले तो ही आप डिफीट कर सकते हैं डायबिटीज को। अब भी मौका है, डॉक्टर जी हमारे साथ हैं, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए एंड लेट्स टॉक इट आउट। वेल डॉक्टर जी, मैं चाहूंगी एक और ईमेल क्वेश्चन ले लें। ये है शोहेब जी यूएई से। ये लिखते हैं कि इनकी वाइफ को टाइप 2 डायबिटीज़ है पिछले 4.5 सालों से, और ये तब हुआ जब उन्होंने अपना तीसरा बच्चा डिलीवर किया था। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है और करंटली वो मेडिकेशन में हैं। उनके फास्टिंग शुगर लेवल्स 125 से 160 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। कैन यू एडवाइस समथिंग टू क्योर इट? वेल शोएब जी, आपकी वाइफ को एक कंडीशन हुई थी, एक टाइप की डायबिटीज़ होती है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और ये जनरली उन लोगों में होती है जहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस चलती है फैमिली के अंदर काफ़ी और लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड, खाना पीना, एक्सरसाइज की कमी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। पहली दो प्रेगनेंसीज इनकी ठीक निकल गई, तीसरी वाली के अंदर आके फंस गए और ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ आगे टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी इनको मेडिकेशन लेनी पड़ती है। और जहाँ तक इनका सवाल है, बड़े सिंपल केस हैं, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल फॉलो करें जिसके अंदर हम सही डाइट और सही एक्सरसाइज बताते हैं, हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं किस तरीके से आप अब उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप टर्बो चार्ज करना चाहते हैं, अगर उनकी जल्दी से जल्दी लेवल्स कंट्रोल में लाना चाहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जिनको हम OHD कहते हैं उनको धीरे धीरे कम करना यानी कि वीन ऑफ करना चाहते हैं, वो भी किया जा सकता है। उसके लिए आपको डायबिट प्लस और डायबिटॉल की ट्रीटमेंट करनी शुरू कीजिए, और जब आप ये ट्रीटमेंट करेंगे रिजल्ट्स मिलेंगे तो हमें बताना मत भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक इंसान की मदद करना पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप UAE के अंदर हों, चाहे आप अमेरिका के अंदर हों, चाहे आप इंडिया के अंदर हों। वेल डॉक्टर जी, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और ये एपिसोड ख़त्म होने वाला है, पर व्यूअर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से, सबकी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। भगवान की प्रेरणा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी शुगर काफ़ी कंट्रोल है। मैं डॉक्टर शर्मा का, डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। गौरव, डॉक्टर जी की टीम को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ उनके कोऑपरेशन के लिए, उनने जो मुझे हेल्प की है उसके लिए बार बार शुक्रिया कहते हुए कह रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्ते। आप भी अपनी डायबिटीज को डिफीट कर सकते हैं डॉक्टर जी और इनकी पूरी टीम से जुड़कर। हमारा नंबर है 011-6611-4111। हमारी ईमेल आईडी है db@drgwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं और आप हमसे Facebook, Twitter और Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे डायबिटीज को डिफीट करने वाले फूड सप्लीमेंट्स डायबिट प्लस, डायबिट ऑल और स्वीट जॉय, और डायबिटीज केयर के लिए डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज और डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान। इनके साथ साथ हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स और डाइटिशियंस 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी डायबिट प्लस, डायबिट ऑल और स्वीट जॉय मंगाकर पा सकते हैं भरोसा अच्छी सेहत का और दृढ़ निश्चय डायबिटीज को डिफीट करने का। इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Those suffering from diabetes and want to defeat diabetes, this scientific way, do subscribe to Dr. G Wellness YouTube channel, your guide for better health.